Hello everyone, welcome back to the Fundamentals of Power Electronics lecture series. This is our lecture number 36 and our today's topic of lecture is DC Static Circuit Breaker, presented by Ms. Pradnya Korde from Department of Electrical Engineering, NIT Polytechnic, Nagpur. The course outcome is student will able to maintain industrial control circuit, and the learning outcomes are student will able to explain with sketches the working of DC static circuit breaker. In the previous lecture, we studied the emergency lighting system and automatic temperature controller. This is the circuit diagram of emergency lighting system. In this, we are using one transformer which is converted 230 volt supply to the 6 volt supply. Here, there is three diodes in which diode D1 and D2 performs the rectifier action. इसके वजह से डायोड D1 के और D2 के वजह से हमको यहाँ पे क्या मिलेगा? पल्सेटिंग डीसी वोल्टेज. तो जो डीसी वोल्टेज मिलेगा उसकी वजह से जो यहाँ पे 6 वोल्ट का लैम्प है वो क्या होगा? ग्लो होगा, ऑन होगा. उसी के साथ साथ एसी सप्लाई है तो एक करंट D3 R1 से होते हुए बैटरी में से फ्लो होगा. देयरफॉर द बैटरी इज गोइंग टू चार्ज. व्हेन बैटरी इज फुल्ली चार्ज द अपर टर्मिनल बिकम पॉजिटिव एंड लोअर बिकम नेगेटिव. आफ्टर इफ द एसी सप्लाई इज टर्न ऑफ. जब एसी सप्लाई अगर ऑफ हो जाएगा तो इसके सेकेंडरी में भी कुछ वोल्टेज नहीं आएगा. तो यहाँ पे कुछ वोल्टेज ना आने की वजह से जो SCRT है इसका कैथोड का जो वोल्टेज है वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा. और यहाँ पे बैटरी के साथ उसका एनोड कनेक्ट होने के कारण बैटरी को मतलब SCR का जो एनोड है वो हायर पोटेंशियल पे रहेगा एज कम्पेयर टू कैथोड. तो SCRT क्या हो जाएगा? फॉरवर्ड बायस हो जाएगा जब एसी सप्लाई ऑफ होगा तो. और उसी के साथ साथ R3 के थ्रू टी को गेट करंट मिलेगा और TSCR जो है वो ऑन हो जाएगा. जैसे ही SCR ऑन हो गया तो जो बैटरी है वो किसके अपियर हमारे लैम्प के अक्रॉस अपियर हो जाएगी. देखो पॉजिटिव कनेक्ट हो जाएगा लैम्प को और निगेटिव भी कनेक्ट हो जाएगा इस टर्मिनल को. मतलब जो 6 वोल्ट बैटरी का वोल्टेज है वो किसको मिलेगा? अभी लैम्प को मिलेगा और लैम्प ऑन हो जाएगा. मतलब जब तक एसी सप्लाई ऑन रहेगा तब तक हमारे लैम्प यहाँ से वोल्टेज मिलेगा रेक्टिफायर के थ्रू, और जब एसी सप्लाई ऑफ हो जाएगा तो हमारे बैटरी के थ्रू ST ऑन होके हमारे लैम्प को सप्लाई मिलेगा. तो इमरजेंसी कंडीशन में भी हमारा जो लैम्प लोड जो है वो ऑन रहेगा. देयरफॉर इट इज नोन एज इमरजेंसी लाइटिंग सिस्टम. नेक्स्ट वन इज द ऑटोमेटिक टेम्परेचर कंट्रोलर. ऑटोमेटिक टेम्परेचर कंट्रोलर की ये सर्किट डायग्राम है जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टडी की है. इसमें एक ग्लास थर्मोस्टैट है जिसमें कि मर्क्यूरी रखा जाएगा जो टेम्परेचर को हाईली सेंस करेगा. जब हमारा जो रूम टेम्परेचर है वो अगर डिजायर्ड वैल्यू से अगर कम है तो इस कंडीशन में ये दो इलेक्ट्रोड जो है वो सेंस करेंगे, और अगर डिजायर्ड टेम्परेचर से अगर कम है तो ये ए और बी टर्मिनल जो है वो शॉर्ट सर्किट नहीं होंगे. अगर ये दो टर्मिनल शॉर्ट सर्किट नहीं हुए तो जैसे कि आप देख सकते हैं बी टर्मिनल गेट को कनेक्टेड है और ए टर्मिनल कैथोड को कनेक्टेड है. तो गेट और कैथोड टर्मिनल शॉर्ट सर्किट नहीं होंगे तब तक SCR हमारा क्या रहेगा? ऑन रहेगा. और SCR ऑन रहने के कारण हमारा जो AC सप्लाई है वो देखो यहाँ पे अगर पॉजिटिव साइकिल है तो D2 SCR D3 के थ्रू ऑन रहेगा,
निगेटिव हाफ साइकिल है तो यहाँ पे D4 SCR D1 के थ्रू ऑन रहेगा, मतलब जब तक SCR ऑन रहेगा तब तक हीटर लोड से करंट फ्लो होते रहेगा, सर्किट लोज रहेगा। तो हीटर लोड से अगर करंट फ्लो हो रहा है तो हमारा जो टेम्परेचर है वो हीटर कॉइल क्या होगी, धीरे 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 टेम्परेचर राइज करेगी और टेम्परेचर धीरे धीरे इंक्रीज होगा अप टू द डिजायर्ड वैल्यू। जैसे ही डिजायर्ड वैल्यू तक टेम्परेचर इंक्रीज हो गया तो ये जो इलेक्ट्रोड है टेम्परेचर को सेंस करते रहेंगे, जैसे ही डिजायर्ड वैल्यू तक पहुंच गए तो ये जो इलेक्ट्रोड है वो शॉर्ट सर्किट हो जाएंगे। अल्टीमेटली SCR का जो गेट और कैथोड टर्मिनल जो है वो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और SCRT जो है वो ऑन हो जाएगा। When the SCR is on, then the SCR will turn off. जब इसका गेट कैथोड टर्मिनल जब शॉर्ट सर्किट हो जाएगा तो SCR क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। एंड when the SCR is off, the current flowing through the heater load is interrupted. करंट जो जा रहा था हीटर लोड से वो इंटरप्ट हो जाएगा, मतलब उसमें से करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली टेम्परेचर राइज होना बंद हो जाएगा। क्योंकि हमारा डिजायर्ड वैल्यू तक तो टेम्परेचर इंक्रीज हो गया है, फिर जरूरत नहीं है उससे ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज होने की, इसीलिए देयरफॉर इट इज नोन एज ऑटोमेटिक टेम्परेचर कंट्रोलर। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द डीसी स्टैटिक सर्किट ब्रेकर। This is the circuit diagram for DC static circuit breaker. In this, we are using DC supply. यहाँ पे input supply, DC supply है, इसलिए इसको हम बोल रहे हैं DC circuit breaker. एक load use किया हुआ है, दो SCR use किए T1 and T2. Here we are using two push button. One is start push button and another one is the stop push button. As we know that circuit breaker का काम क्या रहता है, टू मेक एंड ब्रेक द सर्किट। तो जब हम स्टार्ट बटन को प्रेस करेंगे, व्हेन द स्टार्ट बटन इज प्रेस, ये स्टार्ट बटन को अगर प्रेस किया तो क्या होगा, ये इसमें से इस तरीके से करंट फ्लो होगा। देखो स्टॉप बटन बंद है तो ये यहां से होते हुए R4 से होते हुए स्टार्ट बटन ऑन है तो इसके थ्रू R3 के थ्रू SCR T1 को मिलेगा गेट करंट। SCR T1 को गेट करंट मिलते बराबर हमारा जो SCR T1 क्या हो जाएगा, ऑन होगा, मतलब जैसे ही हमने स्टार्ट बटन को प्रेस किया तो हमारा SCR T1 को गेट करंट मिलेगा R3 के थ्रू और SCR T1 क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। द टर्निंग ऑन The turning on of SCR T1 causes the major part of DC supply voltage appear across the load. अगर ये T1 SCR अगर on हो गया तो हमारा जो DC voltage है ये किसके across आ जाएगा, load के across major part आ जाएगा इसका। ये देखो इस तरीके से load को connect हो गया तो जो DC supply voltage है वो उसका major part load को मिलना चालू हो जाएगा, मतलब सर्किट कंप्लीट हो रहा है हमारा। एज वेल एज द कैपेसिटर्स चार्जेस विद राइट प्लेट पॉजिटिव, उसी के साथ साथ यहाँ पे देखो ये कंप्लीट हो गया, T1 ऑन हो गया तो यहाँ पे ये करंट जो है हमारा कैपेसिटर में से भी फ्लो हो सकता है, तो इस तरीके से करंट फ्लो होगा। कैपेसिटर में से अगर करंट फ्लो हो रहा है तो कैपेसिटर क्या होगा, चार्ज होगा विथ राइट प्लेट पॉजिटिव एंड लेफ्ट प्लेट निगेटिव। कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा। अगर हमको सर्किट को ब्रेक करना है तो हम क्या करेंगे, स्टॉप बटन को प्रेस करेंगे। अगर स्टॉप बटन, ये स्टॉप बटन है हमारी, इसको अगर प्रेस कर दिया तो क्या होगा, ये सर्किट जो है यहाँ से इस तरीके से कनेक्ट होगा, करंट फ्लो होगा। अभी स्टॉप बटन के थ्रू R5 के थ्रू होते हुए T2 को गेट करंट मिलेगा। अगर T2 को गेट करंट मिल गया तो T2 क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। और जैसे ही T2 ऑन हो जाएगा तो देखो कैपेसिटर का जो पॉजिटिव टर्मिनल था
वो अभी T2 ऑन होने के कारण इस तरीके से कनेक्ट होते हुए किसको कनेक्ट हो जाएगा, T1 के कैथोड को। तो ये टर्मिनल हमारा क्या बन, इसको क्या कनेक्ट हो गया, पॉजिटिव कैथोड को, और निगेटिव किसको कनेक्ट हो गया है, हमारे SCR T1 के एनोड को। तो ये SCR जैसे ही T2 ऑन हो गया तो T1 SCR ऑन रहेगा क्या? नहीं, ये तुरंत बाद क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। तो इसीलिए हमने बोला था जैसे ही स्टॉप बटन प्रेस की तो हमारे T2 SCR को गेट करंट मिला थ्रू R5 एंड इट टर्न ऑन, ये ऑन हो गया था। और जैसे ही SCR T2 ऑन हो गया तो चार्ज जो कैपेसिटर था वो किसके अक्रॉस आ जाएगा, T1 के अक्रॉस आ जाएगा, और T1 SCR हमारा तुरंत क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। Thus, manually pressing the stop button, load current T1 through interrupt. मतलब जैसे ही हम स्टॉप बटन दबाएंगे तो यहाँ से जो लोड करंट आ रहा था T1 से वो क्या हो जाएगा, तुरंत ऑफ हो जाएगा, मतलब सर्किट ब्रेक हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड एज डीसी स्टैटिक सर्किट ब्रेकर। ये कैसे किया हमने सर्किट को मेक एंड ब्रेक, बाय यूजिंग स्टार्ट एंड स्टॉप पुश बटन। आल्सो अंडर द ओवरलोड कंडीशन, अगर ओवरलोड आता है विथ T1 ऑन एंड कैरिंग लोड करंट, अगर हमारा T1 ऑन है और इसमें से करंट जा रहा है तो क्या होता है, जब T1 ऑन रहता है तो कैपेसिटर में से भी करंट फ्लो होता है और कैपेसिटर चार्ज होके रहता है। When the overload occurs, the voltage drop across R1 exceeds the forward voltage drop of string of diode D1, D2 and D3 and gate cathode junction of T2. जैसे ही इसमें overload आएगा, मतलब इसमें से over current आएगा, तो ये जो R1 के across voltage drop क्या होगा, increase होगा। ये increase होने के कारण ये जो diode है, डायोड की जो स्ट्रिंग है, तीन डायोड जो कनेक्टेड है, वो क्या हो जाएगी, फॉरवर्ड बायस हो जाएंगे, और इसके थ्रू किसको गेट करंट मिलेगा, ये ऑन होने के कारण T2 को गेट करंट मिलेगा। जैसे ही ओवरलोड आएगा तो क्या होगा, D1 D2 D3 ये फॉरवर्ड बायस होके T2 को गेट करंट मिलेगा। और हमको पता है जैसे ही T2 को गेट करंट मिला ये ऑन हो जाएगा, और T2 जैसे ही ऑन होता है तो ये चार्ज कैपेसिटर जो है वो किसके अक्रॉस आ जाता है, पॉजिटिव कनेक्ट होते हुए हमारे T1 के कैथोड को कनेक्ट हो जाता है, और निगेटिव इसके एनोड को। तो ये जैसे ही T2 ऑन होता है तो T1 हमारा क्या हो जाता है, ऑफ हो जाता है। देयरफॉर गेट करंट इज प्रोवाइडेड टू T2 एंड इट इज टर्न ऑन, ये तो हमने देख लिया। T2 ऑन होते बराबर T1 ऑफ हो जाएगा, और T1 ऑफ होने के कारण जो हमारा लोड करंट है वो मिल पाएगा क्या लोड को, नहीं, क्योंकि ये ऑफ होने के कारण हमारा सर्किट इंटरप्ट हो जाएगा। सिंस नो मूविंग कॉन्टेक्ट टाइप मैकेनिज्म इज यूज्ड फॉर इंटरप्शन ऑफ लोड करंट, दिस कॉन्फ़िगरेशन इज कॉल्ड एज डीसी स्टैटिक सर्किट ब्रेकर। ये सर्किट में हमने कोई भी मूविंग कॉन्टेक्ट मैकेनिज्म यूज नहीं किया है, all are the static components, all are the static mechanism, therefore it is known as DC static circuit breaker. Summary. In this lecture, we studied the circuit diagram and working of DC static circuit breaker. Assignment, you have to solve this question, explain the DC static circuit breaker. The POs satisfied by the today's lecture are these. In the next lecture, we will going to learn about AC static circuit breaker. Thank you for watching this video and keep learning.